अस्सलाम वालेकुम। आज की खूबसूरत सी वीडियो के साथ मैं कौशल शबाज का सर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कौशल शबाज का सर ऑफिशियल। और सबसे पहले मोहब्बत और सलाम। और आज बात होगी ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। एक ऐसे मोड़ पे आ गया कि जो अदील साहब ने मुस्तफ़ा को घर से निकाला था और बड़े हीरो और बड़े चलाक बन कर काम कर रहे थे, आप उन पर भी कमर टूट कर आने वाली है। वो क्या है कि उनके जसूस सर उन्होंने एक आदमी को उनकी रैंकी के लिए बिठाया हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है और उस पर छापा पड़ने वाला है। क्योंकि अक्सर लड़कियों में बड़ी दिलचस्पी रखता है, एक नई लड़की को भेजा गया कि आप अपनी अदाओं से उसको, अपनी अदाओं के साथ उस पर ऐसा हमला करें कि उसको अपने इश्क में, अपनी मोहब्बत में मुबतला कर ले। जब वो आपका आदी हो जाए तो आप उसके कंप्यूटर तक पहुँचें और देखें कि वो क्या क्या गोल खिला रहा है और कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रहा है। क्योंकि उसने शादी की थी रुपाब से इसलिए कि उसकी दौलत पर वो खेले, और लड़कियों से वो शादी करने के प्लान कर रहा था। अब वो ही साजिश का शिकार हो गया। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की माँ कहती, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बड़े पैसे दे रहा है हमें, चाहे खुलकर खर्चा करता। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के घर उसकी जो ससुर और सास है उनने खाना भिजवाया तो उसने नहीं किया। उन्होंने कहा मैं किसी के खाने पर खाने को नहीं कहूँगा, लोग वो ये समझते हैं कि इसके पास पैसे नहीं, मैं खुद ले आऊँगा। उधर शर्जीना कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, परेशान हो जाता है कि हम खर्चा कैसे उठाएंगे आने वाले बेटे का, बच्चे या बच्ची का। तो वो कहती है अल्लाह देगा, रिस्क देगा। फिर वो आपस में हंसते हैं, वो कहती है आपको खुशी नहीं हुई। इस तरह वो डॉक्टर के पास जाते, चेकअप करवाते, कुछ दिनों के बाद वो भी साथ जाता है और उनको नई नौकरी मिल गई है और एक और नौकरी का एक दोस्त उनका, जिसने उनकी वो गेम जो उसने पिछले बार बनाई थी और उसका क्रेडिट किसी और को मिला था, तो उसको देखकर एक शख्स ने कहा कि आप मेरी कंपनी में काम करें, मैं एक नई कंपनी बनाना चाहता हूँ, उसमें आपको काम मिलेगा, आप वहाँ पे आए और आपको नौकरी मिलेगी। तो उसने अपनी डिमांड रख दी मुस्तफ़ा ने। मुस्तफ़ा ने कहा मैं 2 लाख लूँगा एक दिन के, तो आपको मंजूर हो? तो उसने कहा मुझे मंजूर है। अब उसके हालात बेहतर होने वाले, उधर बच्चा होने वाला है, अब अदील पर छापा पड़ने वाला, अब अदील का वो अंजाम होने वाला है जो आपको पता चलेगा। आपको ड्रामा कैसे लग रहा है? आने वाली किस्त बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। और आप हमारी एक बहन है नाजिया इकबाल कराची से, उनने एक शेर की फरमाइश की थी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को दर्द के साथ साथ होता रहा मलाल भी। हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।